अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम कराची से फतेहपुर का ट्रेवल आलमदीन शाह कोच में कर रहे हैं। पार्ट वन हमने हैदराबाद में यूब होटल पे मोटरवे मूवी पॉइंट पे ख़त्म किया था। अभी पार्ट टू हम मटियाली से स्टार्ट कर रहे हैं। वे मटियाली बाईपास है और इस वक्त 8:34 हो रहे हैं। मैं आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि आदिल शाह का कराची से फतेहपुर का टाइम शाम को 5:30 कराची से रवाना होता है और फतेहपुर से इसकी वापसी 4 होती है। बुकिंग नंबर वीडियो के शुरू में मैंने मेंशन कर दिए हैं। अगर किराए की बात करें तो मैंने अक्टूबर में ट्रेवल किया था, उस वक्त इसका किराया 2200 था और डीजल की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से किराया इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। तो इस बात को आप माइंड में रखें, अगर किराया बढ़ा हुआ हो तो आप ये ना कहें कि हमने तो ये सुना था कि इसका किराया 2200 और आप 2300 या 2400 ले रहे हैं। और सहूलियात की बात करते चलो तो बस में आपको सिर्फ पानी प्रोवाइड किया जाता है, वाईफाई या खाना या रिफ्रेशमेंट की सहूलत नहीं है। और मेरा ख़्याल से कराची से चौक आज़म, चौक मुंडा, फतेहपुर के लिए इससे अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। अगरचे इस रूट पर अवामी शानदार, मियांवाली एक्सप्रेस, बलोच, 4-स्टार एक्सप्रेस के यूटॉन बसेस चल रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सर्विस आदिल शाह की पसंद है। और कराची से फतेहपुर के लिए चौधरी एक्सप्रेस की नॉन एसी गाड़ी चलती है, मगर वो बरास्ता डीजी खान जाती है और ये बरास्ता मुजफ्फरगढ़, चौक आज़म, चौक मुंडा, फतेहपुर। तो इस तरफ से टाइम कम लगता है और डीजी खान से आप जाएँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये भी फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। बाकी आप अपनी राय से आगाह करें कि आपको इस रूट पर अच्छी सर्विस किसकी लगी, किसकी सर्विस आपको पसंद आई। शहरयार अहमद ने कुछ टाइम पहले कमेंट किया था, तो इनका कमेंट आदिल शाह से रिलेटेड था। उसके बाद मैंने आदिल शाह की कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो इस वजह से उनका कमेंट शो नहीं कर सका। तो आज मैंने आदिल शाह की वीडियो अपलोड की है, तो उनका कमेंट भी मैं शो कर रहा हूँ। चलो मेरे भाई नमाज पढ़ के, सो भाई नमाज जी।
9:28 हो रहे हैं। सिकरन के करीब हमने इशा की नमाज और डिनर के लिए स्टॉप किया। वैसे नॉर्मली कोटद्दू टाइम इसके साथ होता है, अभी भी साथ है बट कुछ आगे है। कोटद्दू टाइम हमसे कराची से तकरीबन 7-8 पहले निकला था और ये 7-8 बाद निकला था, तो दोनों का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ। इससे पहले मैंने एक बार फतेहपुर टाइम में वीडियो बनाई थी, तो उसमें कोटद्दू टाइम और फतेहपुर टाइम दोनों मुजफ्फरगढ़ तक एक साथ गए थे। कराची से मुजफ्फरगढ़ तक दोनों आगे पीछे एक साथ चलते रहे और अक्सर ये दोनों टाइम एक साथ ही जाते हैं, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि आगे पीछे हो जाते हैं। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपस में एक साथ चलते रहते हैं, और कुछ ड्राइवर बस अपने हिसाब से चलते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है वो निकलते हैं, फिर दूसरे का वेट नहीं करते। दोस्त हर वीडियो में ये कहते हैं कि मीटर दिखाया करें, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मीटर शो करूंगा, स्पीड मीटर दिखाऊंगा। ये अभी गाड़ी 120 की स्पीड पे जा रही है, तो जहाँ इनको मौका मिलता है तो स्पीड बढ़ाते हैं, और जहाँ रश होता है तो जाहिर है वहाँ पर तो स्पीड नहीं लगाई जा सकती, तो नॉर्मल फिर चलते हैं। Yeah.
नौ शहरों फिरोज से कुछ आगे भरिया सिटी नामी एक इलाका आता है। तभी उसके भाई पास पर हम ट्रेवल कर रहे हैं। हमें बलोच का कलूर को टाइम मिला है और ये कराची से 5 बजे निकलता है और ये कराची से बरास्ता डराज खान लहिया बकर कलूर कोट जाता है। कलूर कोट से इसकी वापसी 4 बजे होती है। बलोच के कलूर कोट टाइम मैंने कभी ट्रेवल किया नहीं, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है। और एक बात अगर मैं कहूँ बलोच लवर्स को बुरी ना लगे तो यार गाड़ियाँ कुछ अच्छी होनी चाहिए। ये 2014 मॉडल की गाड़ी है और हमारे जानने वाले इसके ऊपर आए गए हैं तो कहते हैं कि बहुत फुहार करते हैं। ये तो गाड़ी पुरानी है, रास्ते में ख़राब वराब हो जाती है और दूसरा टाइम भी कुछ ज़्यादा लगाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बलोच की कराची से सर्विस, उसमें न्यू बसेस नहीं है। जो डीजी खान टाइम है उसके ऊपर एक डायरो टाइम है, वो भी 18 मॉडल है, और एक यूटॉन्ग टाइम है वो 19 मॉडल है, और इसके अलावा बाकी हीनो बसेज हैं। और कलूर को टाइम पे आपको मालूम है एक गाड़ी है, दो गाड़ी हैं सेम कलर और 14 मॉडल की हैं दोनों। और जो बलोच के टाइम पंजाब में चलते हैं, लहिया से रावलपिंडी जाते हैं या लहिया से लाहौर जाते हैं, तो वो गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनमें ट्रेवल करने में मज़ा भी आता है। एक दफ़ा मैंने ट्रेवल किया था मगर वो भी टाइगो थी, बट इनकी लहिया से रावलपिंडी और लाहौर यूटॉन्ग बसेज भी चलती हैं, तो कराची के रूट पर भी इनको अच्छी बसेज डालनी चाहिए। एक दफ़ा मैंने डीजी खान से कराची का ट्रेवल बलोच में किया था, उसकी वीडियो भी आप दोस्तों ने देखी होगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर ट्रांसपोर्टर यूटॉन्ग ले रहे हैं। आप यूटॉन्ग डबल ग्लास की सेल्स का रिकॉर्ड देख लें और डाइवो डबल ग्लास की सेल्स का रिकॉर्ड देख लें। डाइवो तो मेरे ख्याल में आजकल कोई नहीं निकलवा ही नहीं रहा, जो भी निकलवा रहा है वो यूटॉन्ग ही निकलवा रहा है।
आज रोड पे ज़्यादा बसेज नहीं मिली। अयूब होटल पे हम पहुँचे, वहाँ मूवी पॉइंट पे कोई गाड़ी नहीं थी। सैदाबाद मूवी पॉइंट पे कोई गाड़ी नहीं मिली। इस तरह रानीपुर टूल प्लाजा पर हम पहुँच रहे हैं, यहाँ पर भी टूल प्लाजा के आगे मूवी पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई गाड़ी मौजूद नहीं है। तो आज रोड के ऊपर गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, बसेज इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, इस वक्त हम नेशनल हाईवे और मोटरवे को जोड़ने वाले रोड पर टर्न हो चुके हैं। ये लिंक रोड है, ये सालेपट रोड कहलाता है। सालेपट यहाँ आगे एक छोटा सा कस्बा है, ये रोड आगे वहाँ जाता है। हम लोग तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके राइट टर्न होकर मोटरवे M5 रोली टूल प्लाज़ा की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर आप ये रोड सीधे सीधे जाएँ तो ये सालेपट की तरफ जाता है। कराची से हम 5:30 बजे निकले और इस टाइम 1:30 बज रहे हैं, तो हमें 8 घंटे लग गए और हमसे आगे कोई बस नहीं हुई, पीछे हुई है 4-5 जो आपने देखी है, आगे कोई नहीं हुई। तो आजकल रश इतना ज़्यादा हो गया कि कराची से रोड़ी तक 8 घंटे लगना 7:30, 8:30, 9 एक मामूल सी बात है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।